नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हो और नर्सिंग टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हो और GNM या फिर ANM की ट्रेनिंग गवर्नमेंट से लेना चाहते हो तो यहाँ पर किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट कर सकोगे, गवर्नमेंट के जरिए क्या कैसी क्या यहाँ पर प्रोसेस रहेगी, कहाँ से आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है, कब से फॉर्म डालेंगे, क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी, पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर पर सिंपली यहाँ पर सर्च कर देना है PEB। दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर मोजिला ब्राउजर ही सर्च कीजिएगा क्योंकि मोजिला ब्राउजर पर ही ये वेबसाइट वर्क करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोजिला ब्राउजर पर आप PEB लिखकर सर्च कर दीजिएगा गूगल पर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लिंक आ जाएगी, प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड भोपाल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट की लेता हूँ। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अपडेट में ही फर्स्ट नंबर पर आपको यहाँ पर लिखा दिखेगा ऑनलाइन फॉर्म प्री नर्सिंग सेलेक्शन टेस्ट PNST 2021 स्टार्ट फॉर्म 6/9/2022, ठीक है ना। इसका मतलब 6 तारीख से इसके फॉर्म डालना स्टार्ट होंगे। यहाँ पर रूल बुक एडवर्टाइजमेंट सब कुछ दिया गया। सबसे पहले तो हम जानते हैं किस वेबसाइट से इसके फॉर्म डालेंगे। तो यहाँ पर जिस लिंक को मैंने अंडरलाइन करके रखा है उस पर मैं क्लिक किए देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट PEB की MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर आ जाऊँगा। अब यहीं से आपके फॉर्म डालेंगे। पहले तो आपको यहाँ पर उम्मीदवार की प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। अगर पहले से आपकी PEB की प्रोफाइल क्रिएट है तो आपको सिंपली यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आएगा आपका, जिस तरीके से PAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए आवेदन आ रहे हैं ना, उसी तरीके से एक और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, उसके लिए भी आपको आवेदन करने के तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिखेंगे। तो सिंपली ऐसे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट टिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक डाल लेना है, प्रोफाइल क्रमांक। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कैप्चर और सत्यापन कर आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकोगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, तो यहाँ पर देखिए रूल बुक दिया गया है। सिंपली इस रूल बुक के बटन पर क्लिक करें तो एक PDF फाइल डाउनलोड होगा 47 पेजेस का। तो यहाँ पर इस PDF में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर भरने की प्रारंभिक तिथि यहाँ पर 6/9/2022 है। आवेदन पत्र की संशोधित करने की तिथि भी 6/9/2022 से स्टार्ट होगी। अंतिम तिथि यहाँ पर भरने की 20/9/2022 और संशोधन करने की 25/9/2022 रहेगी। परीक्षा शुल्क कुछ इस तरीके से रहेगा। जर्नल सामान, जर्नल के लिए यहाँ पर आपका ₹400 प्लस ₹60 यहाँ पर पोर्टल एक्स्ट्रा, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर ₹200 प्लस ₹60 एक्स्ट्रा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूरी डिटेल रहने वाली, आप देख सकते हो। जो भी आपको डिटेल चाहिए, जो भी सिलेबस चाहिए, सबका सब यहाँ पर आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं पर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में निकाली गई PNST की रिक्वायरमेंट आपको पसंद आई होगी। इस रिक्वायरमेंट के थ्रू मैं आपको दोबारा से बता दूँ, आप GNM या फिर ANM गवर्नमेंट विभाग द्वारा कर सकते हो। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको क्लियर बता दूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट विभाग द्वारा अगर आप करते हो तो यहाँ पर फ्री तो रहेगी ही आपकी ANM और GNM। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अगर किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट निकालते हो सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन सबसे बेहतर मानी जाती है और गवर्नमेंट ट्रेंड ANM GNM को सबसे पहले चयनित किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए Instagram ID पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।